अपना चौथा कंसिस्टेंट मुकाबला निकालते हुए नजर आएंगे। एक बहुत ही अहम मुकाबला और देखना ये कि इस अहम मुकाबले में वो अहम गेम प्ले कौन दिखाते हुए नजर आएगा। एक अहम बदलाव कास्टिंग डेस्क पे भी, जहां पे स्पीरो लेंगे थोड़ा सा विश्राम और मेरे साथ जुड़ेंगे मेमजी। क्या हाल चाल है मेमजी? बहुत ही ज्यादा बढ़िया। देखिए प्रेडिक्शन मेरी सही हुई और ग्लिच एक्स रीबॉर्न वो चिकन डिनर निकाल के गए हैं। देखिए कभी कभी खुशियां आती हैं तो उसको मनाना भी कुछ उसी प्रकार से चाहिए। सही बात। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये खुशी थोड़ी ज्यादा देर तक ठहरे और मैं एंजॉय कर पाऊँ। ग्लिच एक्स रीबॉर्न वो तैयार होंगे, 56 अंक निकाल चुके हैं और उनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो इस वक्त 42 अंकों पर दिखाई देंगे। 14 अंकों का फासला पहले और दूसरे के बीच में तीन मुकाबले के बाद, पर अभी भी ओवरऑल स्टैंडिंग में अंकी आप समझिए वो 56 से लेकर 18, पहली टीम 56 अंकों के साथ है, उसके बाद आठवीं टीम जिनके पास 18 अंक है और वो फासले को कम करने के लिए ग्लिच एक्स रीबॉर्न का खराब खेलना जरूरी और वो आठवीं जो टीम है उनको लगातार अच्छा खेलना बहुत जरूरी है। देखिए मेरे को लगता है ग्लिच एक्स रीबॉर्न उन्होंने वो एक्सपीरियंस जरूर से BGIS के अंदर से लिया है, अब उनको वो प्रेशर हैंडल करना बहुत बढ़िया तरीके से आता है। ये एक सही मंच जो अब ग्लिच एक्स रीबॉर्न को मिल चुका है और वो बहुत ज्यादा बेहतर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे को लगता नहीं है कि वो मोमेंटम इतनी आसानी से ब्रेक हो पाएगा। प्लेयर्स भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, अभी जब कैंप पे हमने देखा प्लेयर्स को तो वो भी मस्ती कर रहे हैं और उन्हें भी पता है कि हाँ उनकी एक बहुत स्ट्रांग शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। हालांकि अगर आप बात करेंगे लीग स्टेज की भी, मात्र दो ही चिकन डिनर है जो ग्लिच एक्स रीबॉर्न ने निकाले थे, 200 का आंकड़ा भी पार किया था और क्वालिफिकेशन हमें उनका देखने को मिला था। हालांकि अभी भी वो आखिरी मुकाबला याद आता है मेजी, जहां पर वो 20 से ज्यादा अंक लेकर के गए थे और क्वालिफाई करवाया था खुद को, और वो आखिरी सैनहॉक का ही मैच तो था जहां पर चिकन डिनर निकाला उन्होंने और वो चिकन डिनर मस्ट था और वो मस्ट मैच में उन्होंने 13 फिनिशेस निकाले। ऐसा भी नहीं था कि उनके पास फिनिशेस नहीं आ रहे हो, फिनिशेस भी निकाला, चिकन डिनर भी निकाले गए और उनके प्रतिद्वंदी उसी मैच में थे ड्रैगन ईस्पोर्ट्स, जिन्हें बहुत ज्यादा अंकों की जरूरत थी, ये कर गए वो रह गए और इसीलिए ये टीम उस चीज़ का फायदा बहुत अच्छे तरीके से उठाते हुए क्वालिफाई कराया और दिखा भी रहे हैं कि क्यों वो टॉप 16 के अंदर मौजूद हैं और क्यों वो प्रो सीरीज के उस ट्रॉफी के हकदार भी हैं। जी हाँ दावेदार, एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया खिलाड़ी क्लच गॉड की भी अगर आप बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो फिनिशर्स उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर निकाले हैं अपनी टीम के लिए। बट देखता ये कि टीम रेवनेंट है या रेवनेंट 2.0 है। अगर 2.0 है तो पुश करेगी, नहीं है तो थोड़ा रुक के खेलेंगे। देखिए अभी जिस तरीके से वो 5 प्लेसमेंट पॉइंट निकाले ना 3 मैच में, वो 2.0 को थोड़ा निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिर अब अगर आपके पास प्लेसमेंट पॉइंट नहीं आता है और प्लेसमेंट पॉइंट निकाल के जैसे हमने 8BitXCS को देखा और ग्लिच एक्स रीबॉर्न की हमने चर्चाएं बहुत कर ली और क्या उनके खिलाड़ी समाप्त हुए, कम से कम 2 तो समाप्त कर दिए गए और अब ग्लिच एक्स रीबॉर्न के बसते हैं मात्र केवल 2 खिलाड़ी। जी हाँ मेजी, दिक्कतें यहाँ पे थोड़ी बढ़ सकती है उनके लिए, पर चलिए कोई बात नहीं, बाकी के 3 मुकाबले उनके बहुत बेहतर है और इस मुकाबले में भी 2 खिलाड़ी उनके मौजूद रहने वाले हैं, सर्कल के अंदर वो जाते हुए नजर आएंगे। रेवनेंट की बात करें, एक बहुत बेहतर डिसीजन मैं जरूर से कहना चाहूंगा, हमने बात की भी कि सिर्फ फिनिश ओरिएंटेड गेम प्ले आपको उस ट्रॉफी के नज़दीक भले पहुंचा सकता है बट ट्रॉफी दिला नहीं सकता मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और अभी के लिए रेवनेंट ने भी वो बात समझी है कि इनिशियल फाइट्स को थोड़ा अवॉइड किया जाए, थोड़ा ओवर अग्रेशन, थोड़ा फोर्स्ड फाइट को अवॉइड किया जाए और इसीलिए एक नॉक निकालने के बावजूद वो थोड़ा संभले और अपना जो रोटेशन है मात्र उस पर ध्यान दिया। और अभी भी टीम रेवनेंट की बात करें, सर्कल के बिल्कुल सेंटर पे देखने को मिल रहे हैं, बट टीम टुगेदर ईस्पोर्ट्स और टीम एक्सपार्क जोन के बाहर एक दूसरे से काफी ज्यादा नजदीक। और टीम एक्सपार्क एक ऐसी टीम जिन्होंने पूरे BGIS में जब भी वीकेंडी का मैच खेला है अमूमन तौर पर मैक्सिमम में उन्होंने वो चिकन डिनर्स निकाले थे। हाल फिलहाल के जो लीग स्टेजेस में उन्होंने मैचेस खेले वहां पर भी वीकेंडी उनके लिए बढ़िया ही रहा था। वो अलग बात है कि जब माउंट क्रेजनिक पे सर्कल बनता है तो वहां से वो चिकन निकाल कर जाते तो हैं और उसके बाद जब शिफ्टिंग होती है बहुत लेट रोटेशन उनके द्वारा, और अभी भी वो टीम आपको बहुत दूर कोल माइन पर दिखाई देगी। 2 खिलाड़ी वहां मौजूद हैं, 2 खिलाड़ी आप क्रिचास पर देख पाओगे, पोर्ट आसपास टीम टुगेदर ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, हाइड्रा की भी हमने चर्चाएं करी है, इनमें से किसी एक को तो चलना पड़ेगा, या वो स्प्रे गॉड हो सकते हैं, स्पर्शोपी हो सकते हैं, या फिर हमने डोरा की बात करी, एक बार अगर वो 1v6 कर सकते हैं कम से कम प्लेसमेंट ओरिएंटेड गेम अभी भी मैं मानता हूं कि उनके द्वारा खेला जा सकता है। इन सब के बीच में एक और टीम है, टीम एंटिटी की स्क्वाड और साथ ही साथ टीम ब्लाइंड, ये 2 टीम भी सर्कल के बाहर। जी हाँ, मुश्किलें अब यहाँ से थोड़ी बढ़नी चालू हो जरूर सकती है, हालांकि हाइड्रा की स्क्वाड सर्कल के अंदर आ चुकी है। टीम एक्सपार्क अभी भी वो जो फर्स्ट एड्स की तलाश है वो उनकी जारी देखने को मिल रही है,
सीमेंट फैक्ट्री पे टीम एंटिटी, और इस मुकाबले के अंदर भी वो जो हीलिंग्स हैं वो पूरी तरीके से बटोरते हुए ही नजर आने वाले हैं। एक अच्छी चीज ये है कि विकेंडी के मैप में अमूमन तौर पे अगर आप थोड़ा लेट रोटेट करके भी आते हो ना तो आपको एजेस फ्री मिल जाते हैं, क्योंकि टीम्स थोड़ा ज्यादा सेंटर ओरिएंटेड खेलना चाहते हैं। बट ग्लैडिएटर्स के डेस्ट्रो स्पॉट किया है उन्होंने हाइड्रा के चारों प्लेयर्स को, देखना है कि टीम हाइड्रा क्या उनको कुछ अंदाजा है। जी हाँ, शायद उनको अंदाजा है, ग्रेनेड्स कुक जरूर किए जा रहे हैं, बट डेस्ट्रो को यहाँ से पीछे हटना पड़ेगा अन्यथा दिक्कतें बहुत बढ़ सकती है उनके लिए। और दूसरे साइड पे आप देखिए टीम एक्सपाक, उनके लिए दिक्कतें थोड़ी ज्यादा बढ़ने वाली है। मोलोटॉफ का बढ़िया इस्तेमाल, डेस्ट्रो जांचा परखा, थोड़ा हटे स्प्रे गॉड एक और ग्रेनेड के साथ, वो ग्रेनेड ठिकाने पर जा सकता है, वो ठिकाने पर गया भी, पर मोलोटॉफ वो समाप्त नहीं हुआ था। डेस्ट्रो बिल्कुल भी भनक उनको थी नहीं कि वो मोलोटॉव वहां खत्म हुआ या फिर नहीं हुआ, डेस्ट्रो वो हो जाएंगे समाप्त। ग्लैडिएटर्स अपने कैप्टन को खोते हुए, पर इन सब के बीच में टीम एक्सपाक वर्सेस टीम टुगेदर ईस्पोर्ट्स, उनकी जो फाइट शुरू हुई थी, एक खिलाड़ी था पुकार जिनको नॉक किया गया था, आसानी से उनको रिवाइव किया जाएगा, कृणाल रिवाइव नहीं किया जा सकता, छोड़ दिया गया। बाकी तीन खिलाड़ी सर्कल के अंदर, दो खिलाड़ी माफ करिए सर्कल के अंदर जाने को पूरी तरीके से तैयार। कम से कम फर्स्ट एड्स की मात्रा में कमी नहीं अगर आप बात करें टीम एक्सपा की, पुकार के पास जरूर दो है बट सर्कल के अंदर यहां से भी पहुंच सकते हैं अगर फाइट को अवॉइड किया जाए तो। टीम टुगेदर ईस्पोर्ट्स उनको भी अब सर्कल के अंदर आने, और वो व्हीकल लेके ऑलरेडी अपनी जो रोटेशन है वो इनिशिएट करते हुए नजर आएंगे। सारंग इस मुकाबले में बढ़िया खेल रहे हैं, दो फिनिशेज उनके पास आ जरूर चुके हैं बट अभी भी एक चैलेंज। बट टीम ब्लाइंड को आप देखिए क्या बढ़िया रोटेशन हमें उनके द्वारा देखने को मिली, वोल्नोवा में रुके, वहां पे काफी देर तक अपनी लूट की और उसके बाद काफी आसान एंट्री जो उनको सर्कल के अंदर देखने को मिल रही है। और हम इसी चीज की चर्चा कर भी रहे थे मेजी कि विकेंडी का ये मैप जहां पे अगर आप वो लेट रोटेशन भी करेंगे तब भी आपको एजेस क्लियर मिलती है। आप टीम टुगेदर ईस्पोर्ट्स को देखिए, टीम एक्सपार्क आई डोंट थिंक कि उनके लिए भी ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा सर्कल के अंदर पहुंचना। देखिए मैं अभी समझना चाहता हूं टीम रेवरेंट के स्प्लिट को, क्योंकि आपको भी पता है सेंटर ऑफ द सर्कल स्लैम बहुत ज्यादा होता है जब वो चौथा सर्कल आता है, और अभी हमने टीम रेवरेंट का वो जो स्प्लिट देखा है, एक खिलाड़ी कहीं और, दो खिलाड़ी कहीं और, बाकी एक खिलाड़ी को थोड़ा अलग हम देख पाएंगे, तो इन सबको देखते हुए देखना ये कि टीम रेवरेंट जब कभी उन पे कोई और टीम आती है धावा बोलने के लिए वो अपने आप को किस तरीके से बचा पाएंगे। माउंट क्रेजनिक अभी भी ग्लैडिएटर ईस्पोर्ट्स के पास, और डेस्ट्रो को खो चुके हैं जस्टिन, एक खिलाड़ी जो अपनी टीम से लीग में सबसे ऊपर थे। इस बार आप डेस्ट्रो को देख पाएंगे इस फाइनल्स में, बहुत सारे फिनिशर्स निकाले गए जेनिक्स एफएम एंकी, उनको क्या हुआ जिस तरीके से उन्होंने अभी तक के मुकाबले खेले थे, एक बार फिर से अपना पहला खिलाड़ी शायद वो गवा चुके हैं। देखिए अग्रेशन जो कि स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं जेनिक्स एफएम की, उससे वो पीछे हटते हुए नजर आ रहे, कुछ इस प्रकार से डेस्ट्रो को फिनिश ऑफ किया गया और कृणाल खैर उनको भी बचाया नहीं जा पाया, उनको भी फिनिश ऑफ किया गया था। बट हम बात कर रहे थे जेनिक्स एफएम की, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइनअप है, एक बहुत बैलेंस्ड लाइनअप देखने को मिलती है, फिनिशेस निकालने में उनको ज्यादा मजा आता है, उनकी स्ट्रेंथ है वो। बट शायद उन्होंने सोचा होगा कि शुरुआत थोड़ी रुक के करते हैं क्योंकि ये लैन इवेंट है, पहला उनका भी ऑफिशियल जो लैन इवेंट है वो रहने वाला है। तो ज्यादातर टीम की जो स्ट्रैटेजी थी कि हाँ शुरू के कुछ मैचेस जहाँ पे वो थोड़ा टेस्टिंग द वाटर वाला स्ट्रैटेजी करने वाले हैं, बट वो जेनिक्स एफएम जैसी टीम के गेम प्ले को या गेम स्टाइल को आप कह सकते हैं सूट नहीं करता है उतना ज्यादा, और मेरे मुताबिक शायद यही एक रीजन कि जेनिक्स एफएम अभी थोड़ा पीछे ओवरऑल स्टैंडिंग्स में। और एक गलती आप कह सकते हैं जहां पर गन से थोड़ी बातचीत करने की कोशिश की गई दोनों ही टीम के द्वारा, ये जानते हुए भी कि उनका हेलमेट बेस डैमेज होगा और आपके पास उतनी पर्याप्त मात्रा में हीलिंग्स नहीं है, और आपके पास एक कंपाउंड है जहां पर आप ऑलरेडी लूट कर चुके हो, और आपके पास वो लेवल 1 का हेलमेट है और वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, एक और हेड और वो जो आपका डैमेज है वो भी टूट जाएगा। देखना ये कि क्या कुछ और हेलमेट आसपास देखने को मिलने वाले हैं या फिर नहीं, वेस्ट और उस पर भी थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा था, पर इसी बीच हमारा जो तीसरा सर्कल है वो भी देखने को मिलेगा, हालांकि उतना कुछ खास बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता तीसरे सर्कल के शिफ्ट में। टीम रेवेनेंट एंकी क्या वो अभी भी एकजुट होना पसंद करेंगे या फिर अभी भी वो अलग थलग, चलिए कम से कम एक खिलाड़ी ने तो गाड़ी उठाई है। जी हाँ, बट क्या उतना आसान होगा भी एक दूसरे के करीब आ पाना, वो भी अब एक देखने वाली बात जरूर से रहने वाली है। टीम ब्लाइंड थोड़ी मुश्किलों में डालने की कोशिश कर रहे हैं वो हाइड्रा को, मिड रोटेशन उनके ऊपर कुछ शॉट्स दिए गए, बट चलिए फाइनली टीम रेवेनेंट उनके खिलाड़ी एक दूसरे के नजदीक आएंगे। और ये जो सेंट्रल एरिया है
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हमने ओवरऑल स्टैंडिंग्स भी देखी, वहां पे रेवरेंट के पास फिनिशेस की मात्रा में कमी नहीं है, कमी है उस प्लेसमेंट पे जहां पहले देखते थे। एक वक्त था जब यही स्क्वाड थी, यही आईजीएल थे, और वहां पे जो प्लेसमेंट के अंक थे वो ज्यादा रहते थे। बट इसी बीच टीम इनसेन, उसकी फाइट होगी अपोलो, उन्होंने एक खिलाड़ी को नॉक किया जरूर से है। डीबीएस का प्रहार करने की कोशिश रहने वाली है 1v4 की सिचुएशन, लेकिन अभी तक अपोलो वो बचे हुए है। क्या वो एक और क्लच यहां से करके जाने वाले, जंप शॉट देने की कोशिश, बट वो जो कैवलरी है वो धीरे धीरे आने वाली है, लेकिन उनके आने से पहले ही टीम इनसेन काफी आसानी से वो फिनिश निकालेंगे। और मिनी मैप में हम देख भी सकते हैं तेजी से आ रहे थे खिलाड़ी कवर देने के लिए और उतनी तेजी से वापसी भी। मैंने बस अपोलो के चेहरे पे वो शांति देखी, जिस तरीके से वो खिलाड़ी बार बार डीवीएस के शॉट दे रहा था और उसके बाद भी वो पैनिक सिचुएशन नहीं है, दर्शाता है कि उनके पास एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है। हालांकि एक खिलाड़ी को नॉक किया गया है वहां पे फियर्स के द्वारा, और देखना ये है कि रेवेनेंट 2.0 क्या वो रश करना चाहते हैं, शायद नहीं। अपोलो को खो दिया गया और अब तीन खिलाड़ियों के साथ एक खिलाड़ी जो इनसेन के नॉक किए गए थे, आसानी से उनको वापस रिवाइव किया जाएगा, जी नहीं आदि उनको समाप्त कर दिया गया। न्यूमैन वर्सेस टीम साइक, इनकी भी फाइट शुरू हो सकती है। इसी बीच आप देखिए हैं कि जो चौथा सर्कल है वो भी बहुत जल्द दिखाई देगा, और बस देखना ये कि ये जो हार्ड शिफ्ट है वो कहां पर जाके रुकेगा। टीम टुगेदर ईस्पोर्ट्स अभी भी वो सर्कल के बाहर ही हमें देखने को मिल जाएंगे, अभी भी वो एज टू एज गेम प्ले। टीम एक्सपार्क की बात करें, टीम टुगेदर ईस्पोर्ट्स की बात करें, दोनों ही टीम्स दिखाते हुए नजर आ रही हैं। हम बात कर भी रहे थे कि रीयूनाइट होने में दिक्कत हो सकती है टीम रेवेनेंट को, इतना लेट उन्होंने सोचा कि रीयूनाइट होना है और फिर वहां पे एक खिलाड़ी जो अलग थलग पकड़े गए। खैर अभी भी तीन जो खिलाड़ी हैं वो शेष हैं और सर्कल का एक सेंट्रल एरिया उनके पास रहने वाला है। मैं देखना चाहता हूं ग्लिचेक्स रीबॉर्न, जिन्होंने शुरुआत में ही अपने दो खिलाड़ी खो दिए थे, अभी भी उनके दो खिलाड़ी शेष हैं और सर्कल के अंदर मौजूद। ऐसे में वो दो खिलाड़ी अब इस विषम स्थिति से अपने आप को कितना और ऊपर लेकर के जा सकते हैं वो एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी। बट इसी बीच टीम साइक के खिलाड़ी वो बिल्कुल ओपन में जाने की कोशिश कर रहे थे, पकड़े गए। एक और खिलाड़ी है जो पीक कर जरूर रहे बट थोड़ा सा संभलने की जरूरत। साफ के खेलने का कुछ फायदा हुआ नहीं जिस तरीके से इतने ओपन में आए, और पिछला भी मैच था जहां पर साथ खेलते हुए दिखाई दिए और वो इम्पैक्ट वो दे नहीं पाए। और अब इस स्ट्राइकर ऑर्जी और उर्वा, पहला मैच टीम साइक का छोड़ दिया जाए तो बाकी मैच एक भी उनके लिए अच्छा नहीं गया, और इस मैच की भी शुरुआत खराब होती हुई जहां साथ को उन्होंने खो दिया न्यूमैन, उनके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है जहां तीन मैचेस उनके डिसेंट से रहे। ये चौथा मैच जहां से वो थोड़ा और अच्छा खेलना चाहे, पर इसी बीच आप गॉड बॉट को देखिए एमवीपी लिस्ट में सबसे ऊपर, फाइनली वो पहला जो नॉक है वो आता हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ फिनिश उसको भी कर दिया गया। जी हाँ, न्यूमैन भी आगे बढ़ रही है, फिनिश फीड उन्होंने रीड की जरूर होगी, और न्यूमैन गेमिंग भी एक बढ़िया वो जो कमबैक है वो करना चाहते हैं। बट इन सब के बीच में टीम साइक की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। चलिए जोन के शिफ्ट का भी टाइम हो चुका है, देखना है कि सर्कल जाएगा कहां, और ये एक साउथ वेस्टर्न शिफ्ट जो हमें देखने को मिलता हुआ ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के लिए मुकाबला बड़ा बन सकता है। मेजी अभी तक के जो मैचेस है उनके वो उतने ज्यादा बेहतर गए नहीं है, पर टीम टुगेदर ईस्पोर्ट्स और टीम एक्सपार्क एक बार फिर से वो सर्कल के बाहर एक दूसरे के नजदीक देखने को मिल जाएंगे। बट मैं बात कर रहा था ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग की, गॉडबॉट ने वो नॉक और फिनिश निकाला जरूर है और पोजिशनिंग भी काफी मजेदार। देखिए ये जो सेम सिचुएशन है ये हम पहले मैच में भी कह रहे थे, जिस तरीके से हाइड्रा और ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के आसपास थे, सर्कल उनके ऊपर कटा, सेंटर पे वो टीम मौजूद थी और पता चला इनसेन का रश आया, सबसे पहले गॉडबॉट खत्म हुए और देखते ही देखते ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग का जो सफाया था वो भी हो चुका। पर मुझे लगता है ये ग्रेनेड थोड़ा सा ज्यादा कुक हो सकता है क्लच गॉड के द्वारा, जी नहीं ठिकाने पे वो ग्रेनेड गया भी नहीं, क्लच गॉड उनको वापस स्पॉट किया गया और जी थोड़ा और आगे जाने की उन्होंने कोशिश की, सही समय पे अपने आप को वहां से बदला और अब थोड़ा ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। मोलोटोव का भी इस्तेमाल किया गया स्ट्राइकर, दो ग्रेनेड अभी भी इस खिलाड़ी के पास है। मिनी मैप में आपको एक और टीम दिखाई देगा, वो ग्रेनेड ठिकाने पे गया भी नहीं, टकरा के दूसरे छोर पर देखने को मिला। पर न्यूमैन के तीन खिलाड़ी और तीनों के पास डीबीएस, और देखिए तो सही कितने तेजी में वो तीनों खिलाड़ी ऊपर चढ़ने को तैयार हैं। जी हाँ, बट देखना ये कि स्ट्राइकर क्या वो कोई नॉक निकाल पाएंगे, वो गन का आवाज उन्होंने सुना जरूर, और स्ट्राइकर को इंस्टेंटली टेक डाउन किया जाएगा। और अब टीम न्यूमैन गेमिंग वो आगे बढ़ते हुए, देखते देखते टीम साइक अब वो मात्र एक खिलाड़ी के साथ बचती है, नाम है ओर्जी। वो ग्रेनेड जो स्ट्राइकर कुक कर रहे थे फाइनली वैल्यू देकर के गया जरूर, बट वो ग्रेनेड कुक करने की आवाज में ही जो दिक्कतें वो बड़ी, और टीम न्यूमैन के विक्स की जो कि दूसरे कंपाउंड के अंदर मौजूद थे वहां से एक बढ़िया कनेक्शन आएगा। और देखते ही देखते एक और जो साधारण सा प्रदर्शन है वो टीम साइक के द्वारा देखने को मिल रहे, चार मुकाबले हो चुके हैं मेजी, और देरी कहीं ज्यादा ना हो जाए टीम साइक के लिए। देखिए याद दिलाना चाहूंगा विक्स की एक ऐसे खिलाड़ी जहां पर
लीग स्टेजेस में न्यूमन ने जब विकेंडी में चिकन निकाला था तो वो विक्स की थे जो 7 और 8 फिनिशेस लेकर गए थे। मैं मान के चलता हूँ विक्स की एक बार फिर से 2 फिनिशेस उन्होंने निकाले हैं और अभी मैच में बहुत सारी चीज़ें होना बाकी है। इसी बीच हाइड्रा एक खिलाड़ी नॉक किए गए थे, आसानी से उनको रिवाइव किया गया। टीम सोल वर्सेस टीम हाइड्रा, ये फाइट थोड़ी सी दिलचस्प हो सकती है, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब और ये डिप का कंट्रोल दोनों ही टीम्स को इस वक्त चाहिए। इसी बीच ऑटोबॉट्स की बात करें, जीको को डाउन किया जाएगा, जेनेक्स एफएम वो भी अब फाइट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। जोन का शिफ्ट आएगा और टीम हाइड्रा सर्कल के बिल्कुल सेंट्रल एरिया पे मौजूद। न्यूमन गेमिंग के पास भी इनफैक्ट बहुत बढ़िया जो एरियाज हैं वो रहने वाले हैं। ग्लैडिएटर्स एक बार फिर से वो एच टू एच खेलते हुए नजर आएंगे, बट ग्रेनेड की वर्षा की जा रही है। टीम सोल की बात करें, ब्रीदिंग पेस उनके पास उतना ज्यादा बेहतर है नहीं, बट कॉबलिन का वो ग्रेनेड प्रे गॉड को उन्होंने टेक डाउन किया, वो ओपनिंग शॉट जिसकी दरकार थी। बट इसी बीच सामने की साइड से भी एक बढ़िया ग्रेनेड आएगा और वहां पर गॉब्लिन को टेकडाउन किया जाएगा। बस स्टार बॉय उनको वो नॉक निकालना चाहिए था, उनके जस्ट सामने वो खिलाड़ी मौजूद था। टीम हाइड्रा एक और खराब प्रदर्शन की तरफ बढ़ते हुए रिवाइवल एग्जीक्यूट किया जाएगा टीम सोल के द्वारा। बट दिक्कत ये है कि ये दोनों ही टीम्स बिल्कुल सेंटर की तरफ मौजूद है और ऐसे में आसपास से जो दिक्कतें हैं वो बढ़ जरूर सकती है। न्यूमन वो कंपाउंड का फायदा उठा रही है, खासकर शैडो उनके पास वो कंपाउंड है और वहां से वो टीम सोल को भी देख सकते हैं और हाइड्रा को भी देख सकते हैं। और उनको पता चला, टीम सोल उन्हें पता चला कि ऊपर से कोई एक और टीम है जो शॉट्स दे रही है, उनके खिलाड़ियों को नॉक कर रही है। वो वहां से निकलने को तैयार हुए और वो फाइट डिसंगेज की गई है टीम एक्सपार्क। दिक्कतें उनके लिए ज्यादा होने वाली है, एक और खिलाड़ी उनका नॉक है। रिवाइवल के लिए खिलाड़ी गए तो सही, ऑटोबॉट्स अभी भी 3 खिलाड़ियों के साथ मौजूद, साइकैट वो भी समाप्त हो गए। टुगेदर ई स्पोर्ट्स बस्ती अब मात्र केवल 1 खिलाड़ी के साथ, टीम ग्लैडिएटर्स वर्सेस टीम 8-bit CS, उनकी भी फाइट छिड़ चुकी है। रौनक किए जाएंगे डाउन और सीधा समाप्त। जी हाँ, दोनों ही टीम्स जो अभी के लिए साउथ ईस्टर्न एजेस के राउंड हमें देखने को मिल रही है। जेनेक्स एफएम अपना एक खिलाड़ी गवाया जरूर है, अच्छी चीज है कि कम से कम सर्कल के अंदर वो हमें देखने को मिल रहे हैं। टीम एक्सपार्क एक काफी बड़ा स्प्लिट जो उनके खिलाड़ियों के बीच मौजूद, बट इसी बीच NCTS की बात करें, उनको स्पॉट किया जाएगा, टेक डाउन किया जाएगा। सर्कल के बाहर से टीम एक्स पार्क सर्कल के अंदर मौजूद, टीम की मुश्किलें बढ़ा रही है और सीधे व्हीकल लेके क्या वो स्लैम इन करते हुए नजर आएंगे। यहां पर दिक्कतें टीम एक्स पार्क की भी बढ़ सकती है क्योंकि उन्होंने जो प्लानिंग है वो तो एक टीम की है, बट यहाँ पे ऑलरेडी एक और टीम मौजूद। पर आप देखिए मोक्ष ग्रेनेड ठिकाने पर जा सकता है और वो ठिकाने पर गया, पुकार को डाउन किया जाएगा। जेनेक्स एफएम जैसे आपने बताया भी यहाँ पर एक और टीम मौजूद है, साथ में ऑटोबॉट वो फिनिशर्स निकाल सकते हैं, ड्रीम्स उनको डाउन किया जाएगा। और देखते ही देखते टीम एक्सपार्क बस्ती अब मात्र केवल 2 खिलाड़ियों के साथ। स्प्रे गॉड वो वहां पर है तो सही, पर एचपी उतनी ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलती है। सारंग वो भी यहां पर तैनात है, पुकार रिवाइवल की जरूरत पड़ने वाली है। जेनेक्स एफएम ऑटोबॉट्स अब उन दोनों की फाइट होगी और टीम एक्सपार्क उनको मौका मिला कि वो अपने आप को रीसेट कर पाए। जी हां, इंपॉर्टेंट रिवाइवल जो वहां पे ऑलरेडी हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, बट मोक्ष अपने आप को हील करने की आवश्यकता रहने वाली है। जोन का ये शिफ्ट आया और अब सर्कल इन दोनों ही, इनफैक्ट तीनों ही टीम्स के पास मौजूद है नहीं, सर्कल जाएगा न्यूमन गेमिंग के खाते में। टीम सोल की बात करें वो भी सर्कल के अंदर एक डिसेंट पोजिशनिंग पे मौजूद जरूर रहने वाले हैं और टीम रेवनेंट के फियर्स उनको टेक डाउन किया जाएगा। वो जो शुरुआत है वो चुकी है, MJ उनको भी टेक डाउन किया जाएगा और टीम ग्लैडिएटर्स वो कंसिस्टेंसी वापस से कायम करने की कोशिश करते हुए। दूसरी तरफ विक्स की जैसे कि आप बात कर भी रहे थे, एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और अभी के लिए कुछ नॉक्स वो भी निकालते हुए। देखिए टीम रेवनेंट 3 मुकाबले खेलने के बाद 18 अंक लेकर गई थी, इस चौथे मुकाबले में उन्होंने मात्र केवल 3 अंक निकाले हैं, वो भी फिनिशर्स के हैं, वो प्लेसमेंट पॉइंट उनको नहीं मिला। 4 मैचेस खेलने के बाद आपने 21 अंक निकाले हैं, क्या इतने आपके लिए पर्याप्त होंगे कल की शुरुआत के लिए या फिर बाकी 2 बचे मुकाबले के लिए, वो बात की बात। पर इसी बीच ओमेगा उनको भी डाउन किया गया, साबितार रैल्फ दोनों डाउन किए गए। ग्लैडिएटर्स उनका भी एलिमिनेशन आपको दिखाई देगा। टीम एक्सपार्क फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि ऊपर जाना है। जेनेक्स एफएम वो तैनात है, मोक्ष एक बफर से एचपी बहुत ज्यादा कम। इसी बीच ग्लिचिक्स रिबॉन फाइनली आपके कह सकते हैं कि हाँ एक मैच जो उनका खराब रहा, पर इसी बीच मोक्ष भी डाउन किए गए और क्रिप्टो बचे हुए थे। आखिरी खिलाड़ी सारंग डाउन करेंगे क्रिप्टो को। जेनेक्स एफएम एक और खराब शुरुआत उनके लिए। जी हाँ, और ये 5वां फिनिश है जो हमें सारंग के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली ये खिलाड़ी और मेरे को लगता है कि अब एक और फाइट के लिए वो आगे बढ़ जरूर सकते हैं। बट टीम सोल उनकी भी वो जो फाइट है वो हमें यहाँ पे छिड़ती हुई नजर आएगी। एक बढ़िया थ्रोएबल नियो, वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, रिवाइवल की आवश्यकता रहने वाली है। गॉब्लिन को उन्होंने रिवाइव किया जरूर और लगातार वो जो ग्रेनेड्स है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट इस पावर वो रहेंगे जिनके ग्रेनेड से वो जो फिनिशेस है वो निकलते हुए नजर आएंगे। टीम हाइड्रा मात्र एक खिलाड़ी, बट आप इसको कम आंक नहीं सकते। 1v6 करके गया था ये खिलाड़ी, हालांकि अभी के लिए परिस्थितियां थोड़ी अलग, लेकिन जज्बा तो वही।
टीम एंटिटी बहुत ज्यादा क्लोज है और आप क्रॉसहेयर देखिए टीम एंटिटी का, मिनी मैप में देख पाएंगे कि टीम सोल और टीम हाइड्रा बहुत ज्यादा करीब देखने को मिलते हैं। एंटिटी उस चीज का फायदा वो उठा सकते हैं। मिस्टर स्प्रे वो अभी भी डाउन है, शायद उनको रिवाइव नहीं किया। जी हाँ, वो अभी भी डाउन दिखाई देंगे। टीम एक्सपार्क सही सलामत, उनके तीन खिलाड़ी निकल गए। मिस्टर स्प्रे उनको समाप्त किया गया सारंग के द्वारा और ये छठा फिनिश है सारंग के खाते में, पर वहां पे विक्स की वो गिर के डाउन हुए। टीम ब्लाइंड उनके ऊपर धावा बोला गया टीम न्यूमन के द्वारा। क्लच गॉड उनकी एचपी बिल्कुल है भी नहीं, बट फिर भी वो आगे जाना चाहते हैं। नकोल ग्रेनेड का अगर थोड़ा बहुत भी डैमेज पड़ा तो क्लच गॉड आपको डाउन होते हुए दिखाई देंगे। और देखते ही देखते टीम न्यूमन अब मौजूद रहेगी मात्र केवल एक खिलाड़ी के साथ। जी हाँ, मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती है। टीम ब्लाइंड वो बहुत बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे करके जा रहे हैं। पांच फिनिशर्स ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं, चारों खिलाड़ी उनके शेष और सर्कल के अंदर। वो जो एज का कंट्रोल है वो भी रहने वाला है। हमने चर्चाएं की भी सविता और अभी तक उतना ज्यादा बेहतर रोल वो निभा नहीं पाए हैं और उनका भी वो जो एलिमिनेशन है वो देखने को मिल जाएगा। शैडो जी इसी के साथ वो भी समाप्त हो। न्यूमन गेमिंग उनका सफाया, सात फिनिशर्स वो लेके गए जरूर है बट प्लेसमेंट का मात्र एक अंक। पर अभी भी आप देखिए टीम ब्लाइंड, जैसे हम बात कर भी रहे थे कि पिछला मैच ठीक है उनके लिए उतना बढ़िया नहीं रहा, पर इस मैच में उन्होंने वापसी की है। सात फिनिशेस निकाले गए, पर इन सबके बीच में टीम सोल वो आपको सर्कल के अंदर दिखाई देंगे। हाइड्रा वो आखिरी खिलाड़ी ढुओरा वो भी सर्कल के अंदर दिखाई देंगे और टॉप एट के अंदर एंट्री दोनों ही टीम की हो चुकी है। सारंग उनको स्पॉट किया गया रॉनी के द्वारा, डैमेज दिया गया पर वो नॉक नहीं कर पाए। इन सबके बीच में टीम टुगेदर ईस्पोर्ट्स के सेवी प्लेयर्स वो अभी भी इस मैदान में मौजूद हैं। मेरा मार में भी टॉप थ्री तक अपनी टीम को पहुंचाया था टीम टुगेदर ईस्पोर्ट्स ने, एक और मौका उनके लिए बन सकता है। जी हाँ, ढोरा ओपी, अब देखना ये कि क्या वो कुछ ओवर पावरिंग जो परफॉर्मेंस है वो करके जाने वाले हैं। बट ब्लाइंड ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबला उनका हो सकता है। चलिए ढोरा की बातचीत कर ही रहे थे, उनका भी सफाया में देखने को मिल जाएगा। दो फिनिशेस उन्होंने निकाले जरूर हैं। अब देखिए वो कितना इंपॉर्टेंट रिवाइवल था जो टीम सोल के द्वारा हमें देखने को मिला। तीन खिलाड़ी और सर्कल के अंदर एक बढ़िया पोजिशनिंग हमें उनकी देखने को मिल रही है। बट धीरे धीरे अब टीम ब्लाइंड भी आगे आएंगी। सीरवी को भी टेक डाउन किया जाएगा मान्या के द्वारा और ये है टीम ब्लाइंड जिसके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। दो मुकाबले काफी ज्यादा कंसिस्टेंट वो खेलते हुए नजर आए, एक मुकाबला थोड़ा इधर उधर हुआ और अब वापसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग। जी हाँ, साथ ही साथ मान्या उनको भी थोड़ा डैमेज पड़ा है, हील करने की जरूरत। सेवी प्लेयर्स इन सब के बीच में बहुत ज्यादा दूर है सर्कल के। हुकार एक बफर से उनको डैमेज पड़ा, अपने आप को हील करने की जरूरत है। टीम सोल उस डिप में इतने समय से वो बैठे हुए, मुझे लगता नहीं है थ्रोएबल्स अब उनके पास ज्यादा मौजूद होंगे। टीम हाइड्रा उनसे भी फाइट ली, न्यूमैन वो भी आसपास दिखाई दिए और अब टीम एंटिटी उनसे फाइट लेने की बारी है। सू दो फिनिशेस निकाले गए, कमला बॉय मात्र केवल एक फिनिश के साथ समाप्त हुए और अब इस मैच में टीम एंटिटी थोड़ा और आगे जाना चाहते हैं। गॉब्लिन, मुझे लगा इनके पास यूटिलिटीज नहीं होगा, पांच ग्रेनेड इस खिलाड़ी के पास मौजूद है। ओमेगा आईजीएल को खो दिया गया था पर रॉनी उस ग्रेनेड के साथ अक्षत को करेंगे डाउन और अब टीम ब्लाइंड उनको रोक पाना थोड़ा मुश्किल होता हुआ टीम सोल के लिए। जी हाँ, बट रिटेलिएशन में मान्या को भी टेकडाउन किया जरूर गया हुआ है और ये एक और बेहतर ग्रेनेड आता हुआ नजर आएगा। नकुल को वहां पे टेकडाउन किया गया, रिवाइवल इनिशिएट जरूर किए जा रहे हैं। रॉनी वो वहां पे जरूर रिवाइवल देना चाहेंगे। वही टीम सोल की बात करें, उनके खेमे में भी जो रिवाइवल की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ये एक डिसाइडर फाइट जरूर साबित हो सकती है बट 2v4 का ये सिचुएशन है और वो थ्रोएबल्स वो तो खैर रुक ही नहीं रहे, लगातार वो ग्रेनेड मोलोटोव्स उन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। टीम सोल के पास ब्रीदिंग स्पेस बहुत कम है और ऐसे में यहाँ पे उनका बच पाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल। बट गॉब्लिन एक और बेहतरीन ग्रेनेड के साथ और इस बार शिकार करेंगे वापस से मान्या का। देखिए बस आप केवल वो यूटिलिटीज काउंट करिए कि कितने ग्रेनेड थ्रो किए जा रहे हैं। गॉब्लिन एक और ग्रेनेड के साथ नकुल को करेंगे डाउन। रॉनी प्ले जोन का वो खिलाड़ी शिकार हो गया और देखते देखते सभी प्लेयर्स उनको भी डाउन किया गया और अब गॉब्लिन वो आगे जाना चाहते हैं। डबल पोजिशन पावर टीबीएस उनके हाथ में थी, गॉब्लिन को उन्होंने डाउन किया और अब नियो बसते हैं वो आखिरी खिलाड़ी इन सब के बीच में। इस पावर वो आखिरी खिलाड़ी अभी भी इस मैदान में, डीबीएस का बढ़िया इस्तेमाल पर टीम एंटिटी एक बहुत शानदार मौका चिकन डिनर निकालने का। जी हाँ, मैन एडवांटेज उनके पास रहने जरूर वाला है बट आप देखिए टीम ब्लाइंड हर एक मुकाबले में कोई एक खिलाड़ी होता है जो बाजी पलट के चले जाता है। पहले हमें वो काम नकुल करते हुए नजर आए, इस बार इस पावर ने वो कमान संभाली जरूर थी बट उनका भी सफाया हमें देखने को मिल जाएगा पांचवें पायदान पे। बट इन सब के बीच में ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी अपने चारों खिलाड़ियों के साथ। अभी तक उन्होंने कुछ खास फाइट्स ली नहीं है, देखना ये कि क्या ये वो मुकाबला होगा जहां पे ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग वो अपना कमबैक करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले के राउंड की बात करें वहां बहुत बेहतर खेला था, गॉड बॉट चाहते हुए नजर आए थे। शुरू के तीन मुकाबले जोतने बेहतर नहीं लेकिन यहां पर एक कमबैक का बहुत बढ़िया मौका। BGIS एनहॉक का मैच, एक चिकन डिनर BMPS विकेंडी का मैच जहां पर चारों खिलाड़ी उनके मौजूद हैं।
पूरा मौका कि वो आसानी से चिकन डिनर निकाल पाए क्लिप्स एक ग्रेनेड के साथ। क्या उन्होंने नियो को देखा है, क्या उन्होंने सारंग को परखा है? पर नहीं, फिर ट्रॉय के द्वारा डाउन किया जाएंगे। ट्रॉय इंस्टेंट उन्होंने समाप्त कर दिया गॉड बॉट एक और ग्रेनेड के साथ। देखना यह कि ट्रॉय क्या उन्होंने देखा उस दूसरे खिलाड़ी को, शायद नहीं। पर इन सबके बीच में नियो वो सर्वाइवल गेम खेलते हुए उन्हें पता है कि अगर वो तीसरा पायदान भी आए 10 प्लेसमेंट पॉइंट लेके जा सकते हैं। पर सौम्राज सारंग को उन्होंने देख लिया, पुकार को और ज्यादा ओपन में निकलते हुए दिखाई दिया, पुकार को डाउन किया जाएगा। स्प्रे गॉड बचते हैं वो आखिरी खिलाड़ी। मैं समझ नहीं पाई कि उतने ओपन में जो खिलाड़ी थे वो जा क्यों रहे थे। टीम एटीटी की बात करिए, पूरी फाइट उनके खेमे में जा चुकी है। स्प्रे गॉड वो आखिरी खिलाड़ी बचे हैं। हील बैटल के अलावा उनके पास कोई और दूसरा मौका रहेगा नहीं, और ऐसे में ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग उनके पास मौका है कि वो अब थोड़ा सर्कल के अंदर एंटर करते हुए नजर आए। बट इन सब के बीच में टीम सोल के नियो द सेवियर वो अभी भी सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। स्प्रे गॉड वो बिल्कुल सामने से जा रहे थे, स्पार्किंग ने उनको स्पॉट किया, इंस्टेंटली टेकडाउन भी किया। टीम एक्सपार्क के लिए आप कह सकते हैं कि एक बढ़िया मुकाबला जहां पर 8 फिनिशेस वो लेके गए जरूर है, बट अभी भी कह पाना मुश्किल कि क्या वो होगी एंटिटी या ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग या फिर नियो करके जाएंगे कमाल। देखिए 6 लोगों के बीच में अगर वो एक खिलाड़ी चिकन डिनर लेकर चला गया ना, बहुत ज्यादा सिचुएशन टीम एंटिटी और ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के लिए खराब हो सकती है। क्योंकि टीम एंटिटी ठीक है कुछ बढ़िया मुकाबले उनके द्वारा खेले गए, पर ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग उनके द्वारा तो एक भी मैच अभी तक अच्छा नहीं गया। और देखना यह है कि अब इस पर्टिकुलर मैच में ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग क्या वो चिकन निकाल सकते हैं, नियो क्या वो 2 और अंकों का इजाफा अपनी टीम के लिए कर सकते हैं। सू उनका हाथ वहां पर दिखाई दिया था स्पार्की को, एक आखिरी स्टन उनके पास मौजूद, उसका भी इस्तेमाल किया गया। सौम्राज ग्रेनेड से नियो शायद उनको स्पॉट किया जाएगा, पर नहीं, स्पार्की उनको सबसे पहले स्पॉट किया गया, स्पार्की को डाउन किया जाएगा। और देखते ही देखते नियो अभी भी स्मोक के अंदर मौजूद है, नियो उन्होंने डाउन किया सू को, और देखते ही देखते सौम्राज उनको भी डाउन कर दिया गया। सोल नियो क्या वो चिकन डिनर निकाल सकते हैं, एचपी बहुत ज्यादा कम, पर नहीं, ट्रॉय उन्होंने डाउन किया नियो को। और देखते ही देखते ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग इस मुकाबले में लेकर जाने वाली है वन विनर चिकन। जी हाँ मेजी, ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग की वापसी हुई इस मैच में, टीम सोल की वापसी हुई इस मैच में। टीम एक्सपर्ट ने अच्छा खेला और टीम एनसीटी ने बहुत अच्छा खेला। इट वाज अ क्रेजी मैच जो विकेंडी को एकदम से एक्सप्लेन कर देता है।